दूध वाला दलिया सबसे आसान और हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। चलिए इसे बनाते हैं। जिसके लिए मैंने हाफ कप के करीब जो महीन वाला दलिया होता है वो लिया है। अब इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। दलिया जो होता है वो फाइबर से फुली लोडेड होता है, तो इसको खाने के बाद आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। और अगर इसे दूध के साथ बनाया जाए तो आपको फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे ये दलिया रोस्ट होगा इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है और थोड़ी सी खुशबू भी आने लगती है। तो अब यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब पानी को ऐड करा है। अब यहाँ मैं इसको मिक्स करके 10 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। अब दलिया को जो है वो हमें यहाँ पे 90% पकाना है पानी के साथ। अब यहाँ देखिए मैंने पानी को पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने दिया है, पानी भी हल्का हल्का भी दलिया में है और दलिया भी 90% के करीब कुक हो चुकी है। तो अब यही सही टाइम होता है। अब इसमें मैं 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड करा है। यहाँ पे मैंने इस दलिया को बहुत ही हेल्दी बनाने की कोशिश करी है, जिसके लिए मैं यहाँ शुगर भी नहीं ऐड करी, शुगर की जगह कुछ और ऐड करूँगी। उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध को मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर दलिया को दूध के साथ भी पका लिया है। तो जो 90% कुक किया था पानी के साथ और फिर थोड़ा यहाँ पे मैं दूध के साथ कुक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, जिसमें मखाने, बादाम, काजू और किशमिश, ये सब ऐड करिए और इसको मिक्स करके थोड़ी देर तक के लिए पका लेंगे। यहाँ पे मैंने ना 1/2 कप दलिया ऐड करी थी और 1/2 कप ही मखाने ऐड करे हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और हम यहाँ पे शुगर भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से भी ना थोड़ी हल्की मिठास आ जाती है दूध के साथ। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर का ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला पसंद है तो आप इसमें और मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट मुझे यही वाली कंसिस्टेंसी की दलिया बनानी थी तो मैंने इसमें 1 कप के करीब ही दूध ऐड करके इसको पकाया है। अब ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, दूध भी है, फाइबर भी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने शहद का ऐड किया है। वो भी तब ऐड किया है जब मैंने दलिया को फ्लेम से उतार दिया था, इसको सर्व कर लिया था बाउल पे, उस समय मैंने इस पे शहद ऐड किया है और थोड़े से नट्स ऊपर से डाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।